क्या विफल हो चुका है गहलोत पायलट की सुलह का फॉर्मूला? क्या अभी भी नहीं मिटी गहलोत पायलट के दिल की दूरियां? क्या फिर खड़ा हो सकता है गहलोत पायलट का विवाद? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी भी गहलोत पायलट के बीच सब ठीक हो चुका है ये कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। पहले पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर पायलट ने गहलोत पर हमला बोला। पायलट ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि नौजवानों की मदद की तो मानसिक दिवालियापन हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रीट के मामले में गहलोत के बयान को दोहराते हुए कहा कि हर गलती की कीमत सजा मांगती है। यही बात सीएम गहलोत ने रीट पेपर धांधली के वक्त कही थी। साथ ही उन्होंने वसुंधरा गहलोत पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि खान आवंटित हुई और निरस्त भी हुई, लेकिन खान आवंटित तो हुई ना, और किसने की? केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, इसे वो रोक नहीं। इसके बाद गहलोत भी कहां चुप रहने वाले थे। लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर सीएम गहलोत ने जुलाई 2020 में अपनी सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाकर पायलट पर हमला बोला। गहलोत ने निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया का जिक्र करते हुए कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री इन्हीं की वजह से बना रह सका हूं। विधायक को खरीदने के लिए लोग बांसवाड़ा तक आ गए थे। रमीला की कार में रुपये रख दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उनको हाथ तक नहीं लगाया। जो मांगेगी मैं तो कभी मना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होती, ये आदिवासी महिला है, अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा आपको नहीं मिलता। इस महिला ने जो है हमारी उस पर बहुत इमदाद करी। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कन्नड़ के अंदर, यहाँ जा सकती थी। इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम किया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, वहाँ तक आ गए, पैसा लेके आ गए, डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दे तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नया पर हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे बोल सकता हूँ, बताइए इसको। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सुलह का फॉर्मूला निकालने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शायद उसका कोई खास असर नजर आ नहीं रहा। नाम लिए बिना दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। खैर, अब कांग्रेस आलाकमान इस पर पार पा लेगा या एक बार फिर से गहलोत वर्सेस पायलट का नया एपिसोड शुरू होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।